टू व्यूवर्स, दिस इज अलीशा एंड वेलकम टू माय चैनल किचन विद अलीशा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी जिससे आपके बच्चे तो हो जाएंगे बिल्कुल खुश। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिस्ता आइसक्रीम। आई नो कि इसका नाम सुनते ही आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है, ये सबको बहुत पसंद होती है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर जैसी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, पिस्ता आइसक्रीम। लेकिन अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल किचन विद अलीशा मेमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और उसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि वो कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी पिस्ता आइसक्रीम को। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कप व्हिप क्रीम। अच्छा, व्हिप क्रीम बिल्कुल चिल होनी चाहिए और व्हिप क्रीम ये वाली होनी चाहिए। पिस्ता हस्ब ज़रूरत, ये मैंने दो पार्ट पर लिए हुए, ये कंडेंस मिल्क है और कंडेंस मिल्क हमारे पास क्वार्टर 3 कप ले लें आप। और वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, ग्रीन कलर हस्ब ज़रूरत, और ये है इलायची पाउडर, ठीक है, सब्ज़ इलायची का पाउडर है 1 चुटकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे क्रीम को बीट कर लेना है। हमने इसे 1 मिनट तक बीट करना है, इतना बीट करना है कि इसकी शक्ल इस तरीके की हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट पीक फॉर्म में हो जाए। अब हम कंडेंस मिल्क हमारे पास 1/3 कप है, 1/4 कप, ठीक है, और इसके साथ हमें वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून डालना है। इसके साथ साथ हमें छोटी इलायची का जो पाउडर है उसको अच्छी तरीके से फिर से हमें बीट करना है डाल के। अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून पिस्ताशियो ऐड करना है और साथ में ग्रीन कलर के चंद ड्रॉप्स, आप लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे दोबारा से बीट करेंगे। मिक्स करेंगे, देखें ये, देखें ये कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा और क्रीमी हो गया। हमें इसे थोड़ा सा और बीट करना है।
अच्छी तरीके से अब बीट हो चुकी है और हमारी आइसक्रीम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये देखें कितनी इजी है पिस्ता आइसक्रीम बनाना घर में। ये देखें कितना आसान है पिस्ता आइसक्रीम बनाना घर में और ये बिल्कुल रेडी है। और अब हमने ये करना है कि हम इसमें पिस्ताशियो ऊपर से इस तरीके से डाल के, ये देखिए व्यूअर्स इतनी आसानी से हमने अपने पिस्ता आइसक्रीम को घर में रेडी कर लिया। बहुत इजी है। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरीके से रैप कर देंगे। और इसे रैप करने के बाद ये देखिए ये अच्छी तरीके से बिल्कुल इसमें से हवा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपने पैक कर लेना है। आप इसे एयर टाइट जार में बना सकते हैं, एयर टाइट बॉल में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब आपने 8 घंटे के लिए फ्रीज कर देना है। ठीक है, 8 घंटे के बाद आपकी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी। 8 घंटे बाद जब मैं ये निकालूंगी तो फिर मैं आप लोगों को इसकी शक्ल दिखाऊंगी। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों को एक बात और बताऊं कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप लोगों ने इस आइसक्रीम को फ्रीजर से निकालना है और इसे फिर से चंद सेकेंड के लिए बीट करना है, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारी पिस्ता आइसक्रीम तो रेडी है। अब हम इसे फ्रीज करते हैं 8 घंटे के लिए और देखते हैं कि 8 घंटे बाद इसकी शक्ल क्या आती है। तो मिलते हैं 8 घंटे के बाद। तो व्यूअर्स, हमारे 8 घंटे पूरे हो गए हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसे 2 घंटे बाद मुझे दोबारा बीट करना था, 2 घंटे बाद मैंने दोबारा बीट करके इसे बाउल में चेंज कर दिया था दूसरे बाउल में। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाऊंगी। पिस्ताशियो ऐड कर देंगे और ये है हमारी पिस्ता आइसक्रीम। तो व्यूअर्स, ये देखें तैयार है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार धमाकेदार पिस्ता आइसक्रीम जो हमने घर में बहुत ही आसानी से बनाई है। तो आप भी अपने घर में इसी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने कैसी आइसक्रीम बनाई। तो चलें अब मैं इसे ट्राई करती हूँ आप लोगों के सामने। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी बनी है। इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका जो फॉर्म आ रहा है मुंह में, बहुत ही मज़े किया, बिल्कुल बाहर की आइसक्रीम की तरह। तो आप भी अपने घर में इसे ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और जो आपके घर में मेहमान आए उनको भी खिलाएं और उन्हें बताएं कि आपने घर में इतनी मज़े की आइसक्रीम बनाई है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।